चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक, 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस, 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल. सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन, PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना, 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात, शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध, FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही. आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर. आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म. संवाददाता के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस कर्मचारी और पंच के साथ समय और स्थान पर वर्णित घटना आरोपी नामजद किया गया. संक्षेप में तथ्य यह है कि वादी चौकी क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ गश्त कर रहा था. जब उन्होंने एक व्यक्ति को संदिग्ध रूप से कार्य करते हुए देखा तो आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर इसके पास से करोड़ी से चोरी हुई बजाज प्लेटिना नंबर MH 3918866 कीमत अंदाज से 15,000 रुपये, साथ ही वाहन की सीट के नीचे नुकीली धार वाले लोहे का घातक हथियार ऐसी सामग्री प्राप्त हुई. जब उससे पूछा गया कि वह हथियार लेकर आया है तो वह अस्पष्ट जवाब देने लगा. उक्त लोहे के चाकू और वाहन को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया गया. उक्त अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और दो पहिया वाहन को जब्त किया गया है. जैसा कि यह पाया गया कि उक्त वाहन गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा नागपुर शहर के विभिन्न स्थानों से चुराए गए थे. सहायक पुलिस आयुक्त सचिन थोर बोले के मार्गदर्शन में लकड़गंज प्रमंडल के प्रभारी VPO वैभव जाधव, देवेंद्र ठाकुर, पोपनी विकास, मनपिया उक्त अपराधों की आगे की जांच जारी है. पुलिस स्टेशन पाचपोली के PSI विकास मनपिया, पुलिस हवलदार विजेंद्र यादव, इनका पथक पेट्रोलिंग पर था. पेट्रोलिंग दरमियान उन्हें एक व्यक्ति टू व्हीलर पर डाउटफुल संचालित जाते हुए दिखा. उसको रुकाकर उसकी गाड़ी की धरती ली गई तो उसे गाड़ी की डिक्की में एक चाकू था. उसके बाद और इंक्वायरी की गई तो वो जो गाड़ी उसके ताबे में थी वो गाड़ी पुलिस स्टेशन कुराटी से चोरी गई हुई थी और उस संदर्भ में वहाँ पर चोरी का गुना दाखिल है. पुलिस स्टेशन लाकर उसके खिलाफ में पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया और आगे तपास करने पर और 3 दुचाकी वाहन उसके पास से रिकवर किए गए. ऐसे गुने में कुल 4 वाहन टू व्हीलर वाहन रिकवर किए गए हैं. कुल प्रॉपर्टी 1,10,200 रुपये की रिकवर की गई है. आरोपी का नाम शेख शाहिद वल्द शेख यासीन, उम्र 27 साल, रहना मानकापुर है. आरोपी का पुराना रिकॉर्ड अभी मिला नहीं है, उसके बारे में और CCTV प्रणाली में हम देख रहे हैं. आरोपी को दारू पीने का व्यसन है, हो सकता है उसका कारण उसने चोरी की होगी. कम एंड एक्सपीरियंस एन एजुकेशनल रिवॉल्यूशन इन सेंट माइकल्स इंग्लिश स्कूल चंद्रपुर, एन ISO सर्टिफाइड CBSE एंड स्टेट बोर्ड स्कूल विद एन अमेजिंग बैलेंस ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, क्लास नर्सरी टू 10th. Experienced professional and dedicated teachers and staff. 100% 10th board results every year. All facility, digital classrooms, spacious school building and premises. All facility, computer science and mathematics lab and library, grand playground and beautiful school garden. Fire safety and RO water facilities with CCTV cameras. Admission open for session 2023-24. St. Michael's English School, Nagina Bagh, Mission Compound, Chandrapur. नागपुर की सड़कों पर साड़ी पहनकर निकली महिलाओं ने साड़ी वॉकथॉन में अपने जोशीले प्रदर्शन से धमाल मचा दिया. JCI नागपुर जीरो माइल्स टीम के सहयोग से आहार विशेषज्ञों की न्यूट्री स्वाग टीम रश्मि लोबो मुरारकर,
निकिता पाटिल रामटेके कंचन बोड्डे ने 26 मार्च 2023 को सुबह 7 बजे महिलाओं के लिए नागपुर का पहला साड़ी वॉकथॉन आयोजित किया। भाग लेने के लिए साड़ी में 150 से अधिक महिलाएं पूरे जोश और उत्साह के साथ जापानी गार्डन चौक पर एकत्रित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत लाफ्टर क्लब के सदस्यों किशोर तुथेजा और टीम द्वारा वार्म अप सत्र के साथ हुई। महिलाओं की साड़ी वॉकथॉन का उद्घाटन किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर में बेंच में एक वकील स्मिता सरोदे सिंगलकर ने रिबन काटकर झंडा खोला। उनके शब्दों ने महिलाओं को महिला सशक्तिकरण और बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य से प्रेरित किया। साड़ी वॉकथॉन एम्बेसडर द्वारा फ्लैग ड्रॉप किया गया। कोमल अंबाडे, तक्षिता यादव, कविता शाह और सुनीता पाटिल राष्ट्रीय साड़ी वॉकथॉन एम्बेसडर श्रुति पटोले थी। 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पैदल चली महिलाएं, जहां उन्हें रास्ते में पानी की बोतलें उपलब्ध कराई गई। 2 महिला डॉक्टर हिना मुरारकर और सहायक किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यकता के लिए प्रतिभागियों की निगरानी कर रहे थे। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार और शीर्ष 10 को शील्ड कप मेडल प्रमाण पत्र और गिफ्ट हैम्पर से सम्मानित किया गया। 50 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए क्लासिक आयु वर्ग के लिए विशेष पुरस्कार दिए गए। बेस्ट अटायर, साड़ी क्वीन, साड़ी फिट और मोस्ट एक्टिव ग्रुप के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया, जिसे इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन नागपुर चैप्टर के संयोजक डॉक्टर कविता बख्शी और डायटिशियन न्यूट्रिशिस्ट डॉक्टर सोनल कोल्टे, विवेक नागरारे और न्यूट्री स्वाग आहार विशेषज्ञ टीम द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त हीमोग्लोबिन और शुगर जाँच के साथ साथ आहार परामर्श की व्यवस्था की गई। पौने 12 बजे हमने चाय का आनंद उठाया है। ये छोटे छोटे स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, जैसे आप अभी तैयार होके आए हैं या फिर रात को लगता है कि किसी ब्रेक के आ जाके चाय पी के आते हैं, मसाला लेकर नॉन ब्रेक लेके आते हैं, कुछ भी, तो ये स्ट्रेस बस्टर्स हम नजरअंदाज कर देते हैं। और मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है, मेंटल हेल्थ अगर अफेक्ट होता है तो फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होता है, और हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं फैमिली जिम्मेदारियों से या फिर अपने काम काज में। तो मुझे लगता है अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। आप अगर उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो बाकी के लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। और हम वुमेन राइट्स पे काम कर रहे हैं, 2007 से मैं रेप क्राइसिस सेंटर चला रहे हैं। नमस्कार, पारछार समाचारला मी दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि पारछ समाचार हे नेहमी माझ्या प्रचारामध्ये अग्रेसर राहिलेले आहेत आणि मीडियाच्या माध्यमातून चांगली भूमिका यांनी बजावलेली आहे, त्याबद्दल त्यांना सुद्धा खूप खूप अभिनंदन। पारछ समाचार ये चंद्रपूर में 2 साल से डिजिटल मीडिया में बहुत धूम मचा रहा है और इनको 2 साल पूरे होने के शुभ लक्ष्य में मेरे तरफ से बहुत 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 बधाई। और ये हमारे राजेश भाई है, इनके वजह से चल रहा है ये, चाहे दूसरा रहता तो ये इतना नहीं चलता रहा। पहला ही ये डिजिटल माध्यम है, शुरुआत से अभी तक निरंतर चल रहा है और निरंतर इनकी न्यूज़ आती है, रोज़ न्यूज़ मैं सुनता हूँ, रोज़ मेरे पोर्टल पे आता है और मैं बहुत बारीकी से सुनता हूँ। बहुत अच्छी आपकी जो एंकरर है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूज़ रीडर, बहुत बढ़िया है, उसके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वो निरंतर आपके पास काम करे और एक बार 2 साल की उपलक्ष्य में तुमको बहुत बहुत बधाई। अर्थशर समाचार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेंट माइकल स्कूल और स्कूल की मैनेजमेंट की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले दिनों में यह समाचार जो है ये काफ़ी उभर के आए और जो सत्य परिस्थिति लोगों के सामने वो जिस रूप से आ रहे हैं वो सही में सराहनीय है, और हमारे स्कूल प्रशासन की ओर से उनको ढेर सारी। पार्थशर समाचार के माध्यम से चंद्रपुर ने पूरे विदर्भ को रोज़ अलग अलग तरह की न्यूज़ मिलती है। इसके जो संचालक है आदरणीय राजेश नायडू जी, वो सच्चाई के बारे में उजागर करने के लिए वो न्यूज़ अपने समाचार के माध्यम से देते रहते हैं। 2 साल में पार्थशर समाचार ने अपना नाम रोशन किया। भारतीय जनता पार्टी का मैं महामंत्री करके पार्थशर समाचार का रोज़ दखल लेता हूँ। और एक बार पार्थशर समाचार के दूसरे वर्धापन दिन की कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूँ, और माता महाकाल की नगरी है, माता महाकाल को प्रार्थना करता हूँ कि इनके हाथ से आज तक जो अच्छा काम होते रहा यही निरंतर शुरू रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। महाराष्ट्र सेपक टोकरा एसोसिएशन नागपुर द्वारा
33वीं वरिष्ठ प्रतियोगिता विभागीय क्रीड़ा संकुल मानकपुर दिनांक 1-5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में भारतवर्ष के 31 राज्यों से 936 पुरुष और महिला खिलाड़ी, पंच और तकनीकी अधिकारी सहभाग करेंगे। इस खेल के प्रचार प्रसार के लिए नागपुर में फेडरेशन की स्थापना हुई। 1982 की दिल्ली एशियाड में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समक्ष पहली बार कुछ एशियन देशों के बीच प्रदर्शन मैच किया गया। तब से आज तक इस खेल का संचालन निरंतर किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2023 में महाराष्ट्र सेपक टाकरा एसोसिएशन ने इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की जवाबदारी ली है। सिंथेटिक बॉल और बैडमिंटन नेट पर खेला जाने वाला ये एक संदिग्ध खेल है जो दो संघों के बीच बड़ी कुशलता से खेला जाता है। 5 फीट की ऊंचाई वाले नेट पर खिलाड़ी वर्ग पैरों से बॉल को किक करते हुए तकनीक और रोमांच का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन का ये एक मिश्रित खेल है जिसमें हाथों का उपयोग नहीं किया जाता। वर्ष 1990 से सेपक टोकरा खेल को एशियन गेम्स से समाहित कर लिया गया है। तब से आज तक अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में नियमित रूप से भारतीय संघ प्रतिनिधित्व कर रहा है। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में भारतवर्ष को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2022 के जागतिक प्रतियोगिता जो कि थाईलैंड देश के बैंकॉक शहर में हुई, उसमें भारतीय संघ ने प्रथम स्थान प्राप्त कर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना प्राप्त की। सेपक टोकरा ये खेल कुशलतापूर्ण और तकनीकी खेल प्रकार है। खेल की प्रसिद्धि और रोमांच को देखते हुए स्कूल गेम फेडरेशन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय अखिल भारतीय पुलिस सेवा में मान्यता प्राप्त ये खेल दिनों दिन प्रगति कर रहा है। इसमें महाराष्ट्र क्रीड़ा परिषद और महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता भी है। महाराष्ट्र शासन द्वारा इस खेल में 5% आरक्षण की सुलभता भी प्रदान की गई है। वर्तमान में अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में RTM नागपुर विश्वविद्यालय संघ ने तृतीय स्थान प्राप्त कर आपके नागपुर को गौरवान्वित किया। सेपक टोकरा खेल के विकास के लिए और खेल में सुविधाओं की उपलब्धता के लिए महाराष्ट्र शासन अनेकों तरह से प्रयास करती रही है। इस खेल प्रतियोगिता और खेल विकास में आपके द्वारा दी गई प्रत्यक्ष मदद से युवाओं का कल्याण कर नई खेल सुविधाओं और विभिन्न तकनीकी के साथ मूलभूत साधन की उपलब्धता हासिल हो सकेगी जिससे खिलाड़ी जन लाभान्वित हो पाएंगे। एक्चुअली ये 33वीं राष्ट्रीय स्पर्धा सेपक टाकरा की नागपुर में आयोजित कर रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं जैसा देश में मोदी जी स्पोर्ट्स के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, वैसे हमारे उप मुख्यमंत्री और नागपुर के पालक मंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब भी बहुत हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। नागपुर में आप देख रहे हैं अभी बीच में जो मिनी ओलंपिक हुआ उसमें से भी 4 खेल नागपुर में हुए हैं। अभी थोड़ा नागपुर में आप देख रहे हैं कि खेल का वातावरण बनते जा रहा है और मैं हैंडबॉल का खिलाड़ी होने के बावजूद अभी मुझे इन्होंने मौका दिया है, मुझे प्रेसिडेंट बनाया महाराष्ट्र का सेपक टाकरा का। मैं साथ ही नेटबॉल का भी प्रेसिडेंट हूँ और मेरी इच्छा है कि ये मेरे आने से खेल का भविष्य बहुत उज्जवल हो हमारे खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए और खेल के लिए कुछ तो भी करने की भावना है। कल कितने बजे है? कल 11 बजे उद्घाटन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा मानकापुर स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में 11 बजे होने वाला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की युवा नेता, समाज सेवक और प्रतिष्ठित व्यवसायी अमित उमरे की ओर से पार्थेश्वर समाचार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और तीसरे वर्ष के कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।